तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज निखिल और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे इटली में बारिश भी गिर रही है और बर्फ भी गिर रही है। ऊपर देखो, बर्फ चालू हो गई गिरने का। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इटली में घर कैसे रहते, इटली के घर भी कैसे रहते, इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ के किचन ऐसे रहते हैं, मतलब ये देखो वार्डरोब्स, फ्रिज इसके अंदर है। मैं तो बोलेंगे फ्रिज काफ़ी है। ये देखो फ्रिज, ये सामान है हमारा। और ये दो बेसिन, यहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर, नीचे ओवन, गैस, एग्जॉस्ट भी रहता है इसको और लाइट भी रहती है। देखो मस्त सा किचन। तो ये मेन दरवाजा है, यहाँ से हम आते हैं। तो यहाँ पे टोटल अभी ये दो रूम है, ये भी खाली है, ये सिंगल रूम है। देखो यहाँ पे ऐसे रूम रहते स्टूडेंट्स के, ये भी खाली है, कोई रहता नहीं है। यहाँ पे एक रूम है जो हमारे जैसा डबल किचन जो दिखाया। यहाँ पे स्टोर रूम है, कचरा डाल सकते सब। और ये हीटर रहता है, यहाँ से हीटर से हम मतलब हीटर चालू कर सकते हैं ऑन ऑफ। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और एक रूम है, सिंगल रूम, वॉशरूम। ये और एक हमारा वॉशरूम है, ये देखो। यहाँ पे वॉशरूम थोड़े अलग रहते हैं, ये देखो, ये नहाने का रहता है ऐसा। और जब हम इटली में आए तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कि अगर ये पॉटी करने के लिए तो ये क्या है। और यहाँ पे धोने के लिए पानी भी नहीं रहता है। तो आपको पॉटी करके आपको फिर इस पर पॉटी वॉश करनी है आपकी। और ये मैं हूँ, ये वॉशिंग मशीन हमारी। और फिर यस काम कर रहा है। ये देखो हमारी रूम है, थोड़ा मैसी हुआ है रूम, अच्छा बारिश गिर रही है इसलिए सब रूम के अंदर रखा है। हमने साइकिल भी ली, एक साइकिल आएंगी, एक साइकिल ये ली हमने। और फॉग देखो कितना आया आज, कितना फॉग आया है ऊपर, ठंड भी इतनी लग रही है ना आज। यहाँ पे कभी बारिश गिरती नहीं है पर आज गिरी है, अभी तो रुकी, सॉरी बर्फ कभी गिरता नहीं है पर गिरा है। ये देखो यहाँ पे डॉग्स कैसे लगे घूमते। और ये देखो ऊपर मोंटो कैसीनो, देखो पूरा वाइट वाइट आपको दिख रहा है सब ऊपर, वो बर्फ गिरा है सब। और बहुत ठंड लग रही है आज तो, बहुत श्रेयस तो सो गया। इतनी सारी बर्फ और इतनी ठंड लग रही है ना अभी, क्या बोलिए। देखो पूरा बर्फ गिर रहा है वो मोंटो कैसीनो पे। ऊपर एक मोंटो कैसीनो है जो आपको दिख रहा है, देखो कितनी बर्फ गिरी है। तो अभी हम मेडिकल में जा रहे हैं और वेदर देखो क्या सुंदर सा हुआ है यार आज। ये देखो वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे सॉरी बर्फ गिर जाता है। देखो अभी भी आपको बर्फ दिख रहा रहेगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे कैसे कभी बर्फ गिरता नहीं है। चलो तो यहाँ का ये गार्डन है, यहाँ पे छोटे बच्चे से खेलते रहते हैं। और आज ठंड लिटरली मतलब इतनी है, सब जगह सब पहाड़ों पे, मतलब पहाड़ भी साइड भी है हमारे। ये 5000 का सामान लिया ये मेडिकल में, बस पास्ता, एक स्किन ट्यूब और दो शैम्पू। वो 5000 का लिया, वो कूपन हमको यूज करने थे फेब्रुअरी के अंदर, नहीं तो खत्म, नहीं तो वैलिड डेट नहीं रहते। ये देखो सब बच्चों का जो कार्निवल इसको बोलते हैं यहाँ पे जो खेलते हैं। और यहाँ पे पार्टी होती है ग्राउंड पे वीकेंड्स को आज। और सामने फॉग देखो कितना आया है, कितना फॉग है आज। ये देखो यहाँ के घर देखो कैसे रहते, ये देखो। और यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी बिल्डिंग रहती है 4 मंजिले की, उसके ऊपर यहाँ पे कोई घर घर ही नहीं, मतलब ऐसा गाड़ी। सामने देखो कितनी बर्फ गिरी आज, ये देखो ठंडी ठंडी आज। तो थैंक यू आपने सबने ब्लॉग देखा, मैंने दाढ़ी बहुत बढ़ाई है, कल काटने वाले अभी मैं और सिरे से भी जाने वाले। सो अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले क्योंकि हम जाने वाले माल्टा, माल्टा में घूमने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि 7 मार्च से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लॉग्स देखना अभी और एक्साइटिंग ब्लॉग्स डालूंगा, सब्सक्राइब करना। चलो बाय।